जो आदेश का आंसर दिया। पहली बात यह है जो दांत जो हमारे है अल्लाह की मेहरबानी है हमारे ऊपर की बात है। अगर इंसान ऐसा बैठे तो वह माजिद होता है, बच्चों माजिद होता है। अगर एक दांत से ऐसा बड़ा बड़ा कुछ कुछ वाइडिंग या बाइडिंग मतलब तुम्हें बाइडिंग को आवाज समझ करना हमारे पॉइंटेड वही कहता है हमारे माजिद होता है। माजिद होता है ये कर बाइड मारते वहां तो चिल्लाएगी जरूर, जब वहां चिल्लाएगी ना बच्चे को समझ नहीं आएगा क्योंकि वही काम बच्चे उसका सेंस बराबर है। तो ये छोड़ेगा नहीं तब तक अभी के पूरा काटेगा। अल्लाह की मेहरबानी जब ये छह महीने का हो जाता है, जब ये छह महीने का हो जाता है बच्चे का सेंस तब तक बढ़ता है और फिर अगर मां चिल्लाएगी बच्चे छोड़ना छोड़ेगा तो मां बचाएगी कम तो भाई होते थे। अल्लाह की मेहरबानी है छह महीने के बाद। नंबर से ना दो बार की बात, दो बार इसीलिए आते हैं क्योंकि जो बच्चे का ये जा होता है वह छोटा होता जैसा और उसी साइज की दांत को आते हैं। जब ये अब दो साल छह साल के बाद जब बड़ा हो जाता है इसका जा बढ़ता जा रहा है, इसकी जा बूंद बढ़ और जब ये जा बूंद बढ़ जाते हैं उसी साइज के फिर दांत आता है, इसीलिए दांत दो बार। अगर पहले मतलब पहली बार जो दांत आया वही रहेंगे तो फिर इसके जाम को जब बढ़ जाएगी उसको गैप करेंगे वो पूरी तरह से मैसेज नहीं कर पाएगा, इसलिए दांत नॉलेज जो एक लिपि है बैकवर्टी नंबर तो इनकी एक फॉर्मूला होती है उसको हम कहते हैं डेंटल फॉर्म। क्या बोलते बेटो उसको हम लिखेंगे 2120 डिवाइड बाय 2120 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसका मतलब है दिस रिप्रेजेंट्स हाफ जॉ दिस व्हाट इज दिस ये लोअर जॉ मगर ये फुल जॉ। इसको अगर हम ऐसे करेंगे आधा हिस्सा यहां से आधा हिस्सा यहां से तो यहां से आधा यहां से आधा तो ये हाफ जॉ है ये हाफ जॉ तो लोअर बॉडी का फुल जॉ ऊपर भी होते हैं लोग हाफ जॉ हाफ जॉ हाफ जॉ में होंगे इसको पांच टू हो गए क्या वो फुल जॉ होंगे क्या सिर से केस वो लोअर जॉ में हाफ जॉ में होंगे पांच और फुल जॉ में होंगे क्या तो टोटल आएंगे बच्चों तुम्हें आर यू वेरी मी और इसको मैं लिखूंगा बेटा आई इंसिजर पूरा समझना इसको लिखूंगा सी बटन कहना और इसको लिखूंगा रिमेंबर दिस इसको लिखूंगा एम और इसको लिखूंगा पी। आप बोलेंगे सर हम पहले प्रमोलर लिखते हैं फिर लिखते हैं मोलर जैसे इस वक्त हमारे पास है इंसिजर कहना प्रमोलर से तो जहां देखिए थोड़ा इसको यहां लिया इससे क्या पता चला आपको इससे पता चला जो बच्चा होता है इसको प्रिमोलर्स होते हैं ऐसे प्रिमोलर्स शब्द प्रिमोलर्स आर एब्सेंट तो जो प्रिमोलर्स की जगह है वो किसके लिए मोलर्स ने वो मोलर्स आर इस फार्मूला से देखो नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाए अरे सर नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको डेंटल फार्मूला वो बनेगा 2102 डिवाइड बाय 2102 इससे पता चला आई सी पी एम चलो ये भी ठीक है इससे भी पता क्या क्या चलता है प्रिमोलर सर और ये चीज पता नहीं चलता है कि उनकी जगह पे कौन आते हैं एक्चुअली मोलर्स वो ये सही है कि ये सही है सही ये है क्योंकि प्रिमोलर्स की जगह पे आते हैं बेटा क्लियर हुआ को ऑल प्रिमोलर्स आर एब्सेंट इन वन चिल्ड्रन वी कैन से दैट इन एन इन्फेंट और ये दिलीप की फार्मूला बन गई डेंटल फार्मूला 2120 डिवाइड बाय 2120 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो नहीं
Then tell the formula. Then tell the formula. Then tell the formula. लिखा जी ना? लिखो बच्चों. Then tell the formula. Is equal to 2120 divided by 2120. वहाँ ऊपर लिखो ICMP. वो कुछ समझ आना चाहिए. ICMP. ठीक है बच्चों? Multiply by 2 लिखा. Is equal to 20. This is the general formula. Now, these two things are replaced by common. They are replaced by common. Liquidity point. They are replaced by text ki line hai beta. They are replaced by permanent T. They are replaced by permanent T. Clear bachcho? Likho niche aap permanent T. Permanent T. Theek hai bachcho? Permanent T. Permanent T. Permanent T. Likho isi ko bachcho. Matlab, aayega ki nahi? Inko pehle hum dekhenge eruption kab hoga. ये आते हैं बच्चों जब बच्चा होता है 21 साल का यानी 21 ईयर तब तक कौन से दांत उसको रहेंगे टेम्पोररी यानी मिलेंगे डेस्टिनेटली तो 21 साल के बाद आने लगते हैं परमानेंटली वो निकल जाते हैं नए वाले दांत आते हैं अब तो 18 ईयर समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं मगर इस वक्त आप उनकी एज ऑलमोस्ट किसी की 17 16 ऐसा ही होगा लेकिन तब तक आते हैं 28 का अगर मतलब है 18 साल के बाद 18 साल के बाद आते हैं क्या काम उनको हम बोलते हैं विजडम की क्या बात क्या बोलते हैं जिधर में जो विजडम की वो कब आएंगे आप 18 साल के बाद तो टोटल बनेंगे ना बच्चों 30 समिंग टोटल कितने बनेंगे क्या यानी 18 साल के बाद आते हैं विजडम टी वो होता है 4 नंबर 28 प्लस 4 कितने हो गए पहले जो वो नाइट फुल बेटी जो वो नाइट फुल असल कुछ का वही के पास कैसे सुन कैसे कमा जॉब इसका मतलब ये है कि जो दान अब लास्ट पे आते हैं उनकी फंक्शन नहीं है होंगे तो ठीक नहीं होंगे तो बिल्कुल ठीक इनको हम लिखते हैं दे आर वेस्टिजियल इन ह्यूमंस चलो दे आर वेस्टिजियल इन ह्यूमंस इनका कोई काम नहीं है किन किन का बेटा किन नाम का बेटा वैसे नाम और अल्लाह की वर्ड में फार्म में पहले है मैं बोल वर्ड में फार्म फार्म ड्रम मगर आंसर तू हमने की आप क्वेश्चन है अब आंसर है अब आंसर है अब आते हैं देखो कहते हैं जो हमें जो हमारे एंसेस्टर्स थे इनको उनकी उनके गुड हैबिट्स ऐसे थे कि उनको इन दांत की जरूरत पड़ती अल्लाह ताला ने किसी तरह जैसे वर्ड फॉर अपेंडिक्स मदद करता है इन द डाइजेशन ऑफ वी कैन से दैट दिस हर्ब्स वगैरह यानी दांत वी कैन से उनको उनको डाइजेशन करने के लिए जरूरत पड़ता है कभी इंसान जो था वो बांस खाता और उसको वर्णफरण अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी अब फूड हैबिट चेंज हो गए आहिस्ता आहिस्ता डार्विन की थ्योरी बोल रही है जो ऑर्गन यूज नहीं करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होके वेस्टिजियल बन जाता है सिमिलरली हम वो ऑर्गन आप इस्तेमाल नहीं करते वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए आप वेस्टिजियल बनते इसी तरह ये वाले काम आज साइंस के तहत जो हमारी कैनाइंस है साइंस के तहत कि आखिर नासा के अंदर 30 कम के मतलब कुरान के अंदर इसका काम है वो जो हुंच क्या खली मार जितना पुलिस लोगों का साथ थी सर वो गांस खाता है पुलिस सर मैंने देखा है आप जैसे के नमाज तो पढ़ो एक्सेप्शन नहीं होती जनरली हम कहते हैं टेलीविजन जनरली हम कहते हैं वो मीट खाने वाला जानवर तो अगर हम इसके बारे में देखेंगे गार्डनिस्टिक एनिमल लाइक वो घास खाने वाले हम क्या कहते हैं हमें जो दांत है कैनाइन कैनाइन इज अ स्पीशीज इन अ डॉग्स
अरे ये दांत है केनाइन की, इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हमें ऐसा दांत रखा है कि कहता है वहां से कि आप मीट खाया करो, क्योंकि ये जरूरत लगेगी आपको मीट खाने के लिए। जो हमें इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो मदद करते हैं कि काटने में और उस वगैरह, यानी वीकेंड में अगर उसका इस्तेमाल ना बात इस्तेमाल मास की तो इसी खबर यहाँ से बात ठूल के प्रश्न चीज जिनसे इनसे जो ना बाकी बाकी से उसको के मतलब गैर मुस्लिम हिंदू मुसलमान के जिस चीज अपन नीड क्यों चाहा हमें हिजाजी कहते हैं नीड खाना हलाल है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे दान रखे। हमें फिजाजी कहते हैं मीट खाना हलाल है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे दान रखे हैं जो मीट खाने में मदद करते हैं। क्लियर? तो इसी तरह हमें जो दान है कनाइन से मदद करते हैं वाजी के सिलेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एनीवे। तो टोटल नंबर आप फिर आएंगे ये आएंगे जिनका नाम क्या आया था बेटा बेटा जो चार नाम आते हैं लास्ट में दे रखा है दे आर बेस्ट टीचर इन योर माइंड। सुनो मेरी बात, अभी 32 की फार्मूला बनाऊंगा मैंने तुमको परमानेंट की उनकी डेंटल फार्मूला डेंटल फार्मूला टोटल है 32 इनकी डेंटल फार्मूला बन गया 2123 डिवाइड बाय 2123 गार्डन नंबर कौन है अब पुत्र मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 मतलब मुझे बोले ये 8 आएगी हां क्या मैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी आई गेट 16 सिमिलरली 60 प्लस 16 होंगे 32 इसका इसकी फार्मूला बनेगी आई सी पी एम का ये क्या और मैंने इंसिजर्स केनाइन रिमोलर्स एंड ठीक है। अरे क्वेश्चन आया हम डायफ्राम दांत है कि मोनोफ्राम इसके आपका कोई प्रश्न यहां बनेगा ऐसे कोई दांत है जो एक ही बार हाँ बोलो कौन प्रिमोलर्स पहले प्रिमोलर्स की बात होकर यहां थे प्रिमोलर्स काफी रुखाव तो यहां थे प्रिमोलर्स यहां है प्रिमोलर्स वो प्रिमोलर्स फिर एक ही बार आते आगे है कि नहीं आते हो गए यहां कितने मोलर्स थे ना टोटल टोटल हाँ है ना बेटा सब हुआ क्यों सब हाँ क्यों पुलजाम पुलजाम सुवर पुलजाम सुवर टोटल कैसे तो ये कोई ये कैसे टोटल टेन क्या है कि ना फाइन कुछ टेन कुछ इसका मतलब है चार दांत जो ये वाले हैं कुछ ऊपर के रिप्लेस भाई टेन मतलब ऊपर के रिप्लेस भाई ऊपर तो कब सुवर हुए ना ये सुवर रहते थे ऐसे वो चार काम है एक ही बार वो इसका हमारे लिए पॉइंट क्या बन गया नीड का पॉइंट ऑल द मोलर्स एंड लास्ट फोर मोलर्स यानी आर मतलब फैला चल आर तो देखने आर प्रीमोलर्स एंड फोर मोलर्स कुछ तो कुछ फोर मोलर कुछ है विजडम ये चाहे मैं कह लेकिन ऐसे तेरे क्या चीज मानो फैला तेल से नहीं किसको नहीं कर सका तो ये मनुष्य इंसान को कौन काम से डर करना टोटल बनी है तो इसे नाम है प्रांत का नाम है कोई नहीं और कोई नहीं नो और कोई नहीं नो यार प्रमोलर्स का तो है कहाँ प्रमोलर्स का तो है तुम भी बस तो 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 तीन बस है ये महीना हुआ है वे कोई नहीं नो तू है हिम्मत से गधा बाप बाप क्या बने मानो फायर डाउन टेस्ट इरप्शन इरप्शन इनका कब होता है बेटा सिक्स इयर्स जवाब तो कोई सवाल बोल तो 18 इयर्स तो 18 इयर्स बेटर में लिख लीजिएगा मगर कर देंगे तो ओनली 28 आर वेरी मी शाब ओनली 28 वर्किंग
18 years to 25 years. 18 years to 25 years. And the Qasam tough insans. In the Imam Shia. Catch the Qasam, but it was an out sign, fire in vertical. What? जो मैंने बोला पोस्टीरियर पार्ट को कहते हैं फरेंस, am I right बच्चों?
वो इसका मतलब है बच्चों यहां से भक्ति है ये पर बच्चों ये जब मानो ये रहा सेशन का पूर्ण नासुना कहां तुम तेरे साइड में के जो फाइल को मैं बुआ इस बुराई के इसके लिए सब देखो सब तेरे में कुछ ये कुछ जीवन जीवन ये कोई इंटेंट भी है अच्छा एक ही एजेंट जो अल्लाह ताला इसको मुझे किया था पूर्ण आपके इसमें इंटरनल मैरिज और ये एयर भी यहाँ से इस रास्ते से चला जाता है यहाँ से खाते हम फूड ठीक है ना भाई ये भी इसी रास्ते से चला जाता है वो फेरिक्स यहाँ से लेके बराबर यहाँ तक बोलवाते फेरिक्स व्हाट डज इट मीन नाउ फेरिक्स इज ए कॉमन पसे फार फूड है टेक्स्ट के लिए बट फेरिक्स इज अ शब्द है ये बोलो फेरिक्स इज अ कॉमन पसे फार फूड एंड लिख सब पढ़ भी Right. It is common passage. It is common passage for food and air. It is common passage for food and air. वो air हमें discuss करना है respiratory system में जो बोला ऐसे कोई ताकि पैकेट के लिए उसे ना गूगल में ना और थोड़ी डिटेल थोड़ा है इस काम अगर हम इस फरेंच को देखेंगे बेटा मैं यहां ऐसे बनाऊंगा बेटा लाइक दिस हियर लाइक दिस ये जो मानो बच्चों यहां से मैं बोलूंगा ये है फरेंस पूरा संविधान और ये है हमारे पास प्लेट संविधान एक आगे वाले प्लेट को बोलते हैं हार्ट प्लेट को समझाया था और पीछे वाले को बोलते हैं एम आई राइट बच्चों बच्चों यहां ओपन हो जाते हैं ये मानो ये ओपनिंग है यहां से जाएगा फूड क्लियर ये जो फरेंक्स हमारी है ना इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स यहां से इस बार ये भी फरेंक्स का पार्ट है ये भी सारा माने ये नहीं यहां पर का लाइक दिस फिर दिस सम ये सारा पोर्शन है फरेंक्स का और इस फरेंक्स को हम बोलते हैं नेजो फरेंक्स नेजो फरेंक्स क्लियर इस वाले को वो मान लो यहां तक बोलेंगे नेजो अब ये वाला पोर्शन आता है ये यहां से यहां तक इसको बोलेंगे दूसरे पार्ट को ओरोफेरिंक्स ठीक है ना बच्चों और फिर ये तीसरा वाला पोर्शन जो है इसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंक्स ठीक है ना बच्चों और फेरिंक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट वन इज नेसोफेरिंक्स अनदर इज ओरोफेरिंक्स एंड थर्ड वन इज कोशिश करेंगे आप लोग यहां से मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल ये यहां से स्टार्ट हो जाता है और यहां से ये ऊपर है नेसोफेरिंक्स यहां तक होगा ओरोफेरिंक्स इसके नीचे होगा लैरिंगोफेरिंक्स मुझे बोला आप डेफिनेशन बोल सकते हैं ये जो नेसोफेरिंक्स है इट इज अबो द सॉफ्ट प्लेट गलत तो नहीं होगा ना बेटा कि व्हाट इज दिस हियर सॉफ्ट प्लेट के ऊपर ही कौन सा पार्ट है पार्ट ऑफ द करेक्ट दैट पार्ट इज कॉल्ड एज क्लियर अल्लाह की मेहरबानी है इसमें दो ईगो कान एक ये मान लो योर गो ग्राफ का ये कान साथ में कैसा होगा तो फिर साथ में साथ को भी जाना है क्या पूछने आया सबको सुनो तन्यो मतलब वो कि जो हमारी जो ये फ्रेंक्स है इसमें इसकी ओपनिंग होती है किसकी ओपनिंग तो मुझे बोलो ईयर की ओपनिंग ईयर कहाँ इस आज से वन अक्टूबर यहाँ से यहाँ तक एस्टेशन टू एस्टेशन टू तो मैं बेबी लोगों को बोलूँगा मैं क्या लोगे जन एस्टेशन वो एस्टेशन टू जो होता है बेटा दैट ओपन इन द नेसो ये जो ओपनिंग है अब यहां पूरा देखो ये ओपनिंग है एंड वी कैन से दैट एयर ओपन इन नेसो फेरिंक्स वाया एस्टेशन टू से दो होंगे जुकाम था ना यहां से होगा दूसरा बच्चों अल्लाह की मेहरबानी है इस टू के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने रखा है ऐसे लिम्फाइड टिश्यू
मानो ये है एस्ट्रेजन टू, इसकी जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है इसके इर्द गिर्द लिम्फाइड टिश्यू है। कल मैंने बोला लिम्फाइड टिश्यू का मतलब है टॉन्सिल। जब आजकल मैंने कहा बोला लिम्फाइड टिश्यू का मतलब क्या है भाई, तो टॉन्सिल, और ये टॉन्सिल इसके इर्द गिर्द है। दिस टॉन्सिल इज कॉल्ड ए ट्यूबल टॉन्सिल। व्हाट दैट टॉन्सिल इज कॉल्ड मूवर ऑन प्रभाकर ट्यूबल सर क्यों रखा ला देयर इज अ चांस कनेक्ट ही हिम टू साइड ऑफ पार्टिकल या वी कैन द एंटी वगैरह क्योंकि इट्स अ फोर देयर इज अ चांस या पहले यू आर वाइट ना अल्लाह तआला क्या कहता है एजेंट फॉर्म टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या था लिम्फाइड टिश्यू, ये सीक्रेट करता है ये टॉन्सिल इम्यूनोग्लोबिन ए प्लस 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 डब्ल्यू और उसको वहां ही खत्म किया जाता है और इंसान बच जाता है काम नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहां रखा ये टॉन्सिल, जिस टॉन्सिल का नाम रखा है कबार, किस टॉन्सिल का नाम क्या रखा है ट्यूबल टॉन्सिल, देव नेशनल ऑफ कबार आरी मेडिंग ओके बच्चों ये है ट्यूबल टॉन्सिल। अगर और एक बात है बेटा, यहां दो ओपनिंग सोल है मगर दे आर प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ दिस नेजो फैरिंग्स। रूफ मतलब वो यूरिना व्हाट इज दिस नाम आपको यहां ये
इंटरनल नैरी इज ओपन इन इट इंटर वाहन रिमेंबर इंटरनल नैरी ओपन इन इट क्लियर इफेक्ट करने कौन कौन स्ट्रेचिंग टू माई इंटरनल किसमें ओपन हो जाता है बेटा किसमें ओपन हो जाते हैं अब देखो यहां से क्या अरोपरेक्स अरोपरेक्स एक पॉइंट और वहां लिखना है बोलो चलिए स्टेज ओपनिंग ऑफ स्टेज टू दिस गार्डियन बाई यू वन ओपनिंग ऑफ स्टेज टू openings of stachyne tubes openings or openings of stachyne tubes are guarded by tubal tonsils bas kitna yaad hai are guarded by underlying tubal tonsils are guarded by tubal tonsils are guarded by tubal tonsils kai bhai kitna sab kaam hai dikhe jaa friends class ke tennis tab cognition tab bhi bolne gaye ki dil ke guarded by tubal tonsils jo ko bolne hai okay kai tarah ka problem hai aur wo ठीक है बोलते हैं और लिसन टू मी इसमें सिंपली इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें होते हैं दो किस्म के ये कुछ बात
इंशाल्लाह ये गिर गया।